तो दोस्तों टिकटॉक जो कि है वो इंडिया में वापस आ रहा है, अनबैन हो रहा है। तो हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हो, टिकटॉक जो कि है वो इंडिया में वापस आ। ये न्यूज़ जो कि कब आई और क्यों आई वो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो पे एंड तक रहिए, जरा कब स्किप मत कीजिएगा। मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हो एक के ना यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सारा है जो तो दोस्तों जो कि ये न्यूज़ कब आई है, तो दोस्तों जो कि ये न्यूज़ जो कि पबजी वापस आने मतलब कि जो कि पबजी है वो अनबैन होने के बाद जो कि मतलब कि होने वाली है उसके बाद ये न्यूज़ आई है कि हमारा जो कि टिकटॉक है उसको भी अनबैन कीजिए। और हाँ दोस्तों जो कि वो क्यों हो रहा है वो आपको पता चल ही गया होगा, बट जो कि नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों जो कि आपको पता होगा जो कि 3 या 4 महीने हो चुके जो कि टिकटॉक को बैन हुए, और फिर जो कि 2-3 महीने बाद जो कि कुछ भी नहीं हो रहा था, जो कि नामो निशान नहीं था टिकटॉक का, अब जो कि वापस आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर बात चल रही है जो कि टिकटॉक है जो कि वापस आने की, और ये क्यों आ रहा है आपको पता चल ही गया। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि क्यों आ रहा है, जो कि अभी आपको पता होगा जो कि पबजी जो कि बैन हो चुका था और अब जो कि पबजी है वो वापस आ रहा है। तो कम बैक तो आओ आओ, और आपको पता होगा जो कि पबजी जो कि वापस आ रहा है तो उसी के थ्रू मतलब कि उसके साथ ही साथ उसने जो कि मतलब कि टिकटॉक भी वापस आ रहा है, जो कि उसमें भी जो कि आपको जो कि गांधी ने कहा है, आपको पता होगा जो कि किसने आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, निखिल गांधी ने कहा है कि हमारा टिकटॉक भी वापस आना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात है जो कि पबजी वापस आ रहा है इसीलिए जो कि टिकटॉक भी वापस आ रहा है, और जो कि हमको पता होगा जो कि यहाँ पर जो कि पबजी है जो कि वापस आ रहा है, जब जो कि पबजी वापस आ जाएगा उसके मतलब कि 1 महीने में या 2 वीक में जो कि टिकटॉक है वो वापस आ जाएगा। और वो बात मतलब कि उस वीडियो भी बन चुके हैं, और आपको एक थोड़ा सा स्किप दिखा देता मतलब कि जो कि टेक्निकल गुरु जी का भी दिखा देता है यहाँ पर, तो आप सिंपली देख लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों टिकटॉक के बारे में भैया बात चल रही है, टिकटॉक के जो हेड है इंडिया में निखिल गांधी जी, वो बात कर रहे हैं कि कम बैक लॉन्ग टर्म प्लान ये वो। तो यहाँ पर दोस्तों मतलब अभी लेटर लिखा है एम्प्लॉयज को, मतलब बात ये चल रही है कि शायद अभी दोस्तों टिकटॉक बहुत जल्दी वापस आ सकता है, बिकॉज ऑलमोस्ट आई थिंक ये मई जून के अराउंड की बात है, और उसके बाद से मतलब एकदम सन्नाटा छाया था भाई, कोई मतलब था ही नहीं अपडेट। अभी लगता है कि शायद टिकटॉक भी वापस आ सकता है। मैं भगवान से क्या बोलते हैं उसको, कितने कोई मतलब मन्नतें मांग लूंगा सारी की सारी कि भैया बस कुछ भी कर लो, टिकटॉक को वापस मत लेके आओ। तो देखा दोस्तों कि जो कि टेक्निकल गुरुजी है उसने भी बता दिया है कि टिकटॉक जो कि वापस आ रहा है, और हाँ जो कि टेक्निकल गुरुजी को जो कि ये बात अच्छी नहीं लगी, बट जो कि आपको तो अच्छी लगी है मुझे पता है, जो कि आपको अच्छी नहीं लगी होती तो इस वीडियो देखने के लिए आप आए नहीं होंगे, और आए इसलिए कि आपको टिकटॉक वापस आने का बहुत ही इंतज़ार है, और अब जो कि आपका जो कि इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, जो कि अब टिकटॉक वापस आ रहा है। जब आपका जो कि पबजी वापस आ जाएगा फिर टिकटॉक भी वापस आ जाएगा। तो आज के लिए बस ये वीडियो इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, क्योंकि ऐसी जनरल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।